प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम पहुंची ऑटोनॉमी हेतु निरीक्षण करने। दल का नेतृत्व पूर्व कुलपति सौराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान के पास। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की टीम इन दिनों प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज रीवा के TRS कॉलेज में पूर्व कुलपति सौराष्ट्र प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में डेरा डाले हुए हैं। हम आपको बता दें, प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के TRS कॉलेज ने अपनी स्थापना की शताब्दी भी मना ली है। पुराना दरबार कॉलेज बदलते वक्त के साथ ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में तब्दील हो गया। BA BSc के कुनबे में कॉमर्स सहित वो सभी विषय जुड़ते चले गए जो अभी भी प्रदेश के कई कॉलेजों में सपने की भांति हैं। जहां एक ओर प्रदेश के कई कॉलेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं ऐतिहासिक TRS कॉलेज नित्य नए सोपान रच रहा है। अभी हाल ही में TRS कॉलेज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मेंटर का किताब हासिल किया है। आइए जानते हैं TRS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामलला से क्या है। जो महाविद्यालय इस क्षेत्र के ऐसे हैं जिनका अभी तक नैक मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो नैक मूल्यांकन की एक तैयारी, एक व्यवस्था करनी पड़ती है। वो कुछ बहुत अच्छे कॉलेज हैं लेकिन बढ़िया तैयारी नहीं कर पाते, तो उनको बढ़िया ग्रेड नहीं मिल पाता। जैसे हमारे यहाँ शहडोल कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ही बन गया हो पर नैक में ग्रेड हासिल नहीं कर पाया। जैसे सतना ऑटोनॉमस कॉलेज बढ़िया कॉलेज है लेकिन नैक मूल्यांकन की तैयारी ढंग से नहीं कर पाया तो ग्रेड नहीं हासिल कर पाया ढंग का। सीधी ऑटोनॉमस कॉलेज बढ़िया कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, सब चीज़ सब सुविधाएं वहाँ, भौतिक संसाधन भी बहुत, हमारे इस कॉलेज से अधिक भौतिक संसाधन है वहाँ, पर तैयारी न कर पाने की वजह से, व्यवस्था न बना पाने की वजह से वो ग्रेड हासिल नहीं कर पाते। ऐसे महाविद्यालय जिनका नैक मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है, उनके नैक मूल्यांकन की तैयारी के लिए, परामर्श के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए इस महाविद्यालय का चुनाव किया है UGC ने। इस महाविद्यालय के वो प्राध्यापक जो नैक की तैयारी में दक्ष हैं, उन प्राध्यापकों को वहाँ भेजा जाएगा। वो वहाँ जा करके अपना समय देंगे और नैक मूल्यांकन की तैयारी उन महाविद्यालयों में कराएंगे। इसीलिए इस कॉलेज को UGC ने मेंटर कॉलेज बनाया है। सोचिए, यह क्या मामूली उपलब्धि है। TRS कॉलेज जिसके पूर्व भी नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त कर चुका है, फिर नियमित एवं स्वित्तीय सहित 59 पाठ्यक्रम, 12 विषय में शोध केंद्र, 12 विषय में यमफिल और अभी हाल में मेंटर 6 सदस्यीय निरीक्षण टीम के निरीक्षण की गतिविधियां, बारीकी से निरीक्षण, उनके चेहरे बता रहे हैं परिणाम कॉलेज के हित में होगा। आइए बात करते हैं पूर्व कुलपति सौराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान से। ये बड़ी पुरानी कॉलेज है, उसका इतिहास 100 ईयर से ज़्यादा ये कॉलेज का है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, सेंट्रल फैसिलिटी, ये विस्तार में सबसे बड़ी कॉलेज है, तो उसका इन डिटेल ये रिव्यू हो रहा है। अभी इंटरेक्शन मीटिंग हुई है और इंटरेक्शन मीटिंग से के साथ हम कह रहे हैं कि 11,000-12,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसका ये मूल्य इस समाज के लिए, सरकार के लिए, सरकार भी प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो गरीब और पीड़ित हैं वो बच्चे को यहाँ सबसे ज़्यादा अवकाश के गवर्नमेंट कॉलेज में मिले। और इसके लिए UGC ने 95 में ये कॉलेज के ऑटोनॉमस स्टेटस दिया था। ऑटोनॉमस स्टेटस का मतलब है कि कॉलेज को फ्रीडम दी जाए, वो लाइसेंस जो कंट्रोल पॉलिसी से बाहर निकल कर स्किल बेस ये विस्तार के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज दी जाती है। उसके हर 5 साल में रिव्यू होता है और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक कॉलेज को ये रिव्यू करने के लिए भेजते हैं। अभी
ये शुरुआत हैं हमारी, हम ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो हम ये बातें बाहर नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं और दो दिन के बाद ये रिपोर्ट हम UGC को सबमिट करेंगे और उसके कमीशन मेंबर की जो मीटिंग होती हैं वहाँ उसका डिसीजन होकर कॉलेज को इन्फॉर्म किए जाएंगे। लेकिन अभी से हम मिले हैं कॉमर्स और ये सेंट्रल फैसिलिटी के बारे में, कॉलेज बहुत अच्छी हैं, पुरानी हैं, तो उसका मूल्य भी हमारे साथ हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या अच्छा और कर सकते हैं कॉलेज, उसके बारे में रिपोर्ट में हम सारी बातें बताएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल हैं तो हम यहाँ ये माध्यम से नहीं बता सकते।